भाजपा में अब सम्मान की लड़ाई। सोच समझ के ही निर्णय लिया है कि जहां सम्मान नहीं वहां रहने से मतलब नहीं है। क्या भाजपा में हो रही तानाशाही? ये पूरे देश के भारतीय जनता पार्टी से अलग है, यहां का तानाशाही रवैया। क्या भाजपा में नहीं होता कार्यकर्ताओं का विकास? वो अपने सामने किसी को आगे बढ़ने नहीं देते, न किसी को आगे आने देते। गाजीपुर के राजनीति की नई रणनीति। तो मैं तो यही चाहूंगा कि बहन जी हमारी मुख्यमंत्री बने। गाजीपुर में भाजपा के राजनीतिक परिवार का नया अध्याय। परिवार में हैं भाजपा के MLC, परिवार में हैं भाजपा के जिला पंचायत अध्यक्ष और अब उसी परिवार के भाजपा के सक्रिय नेता डॉक्टर मुकेश सिंह ने थामा है बसपा का दामन। के विधानसभा चुनाव के बाद जंगीपुर अस्तित्व में आया, लोगों ने जंगीपुर विधानसभा को जाना। जंगीपुर विधानसभा में सबसे पहले समाजवादी पार्टी से कैलाश यादव ने चुनाव लड़ा, उसके बाद उनके पुत्र वीरेंद्र यादव ने वहां से चुनाव लड़ा और दोनों लोग उस सीट से विजय हुए और विधायक बने। जंगीपुर विधानसभा को लेकर कई सारी बातें होती हैं, क्योंकि जंगीपुर विधानसभा का कुछ क्षेत्र ऐसा है जो गाजीपुर शहर से लगा हुआ है और विकास से काफी दूर। अब जंगीपुर विधानसभा क्षेत्र में ताल ठोकने के लिए तैयार हैं डॉक्टर मुकेश सिंह, हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। बड़ा नाम है, पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, अब बहुजन समाज पार्टी में जा रहे हैं। आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जंगीपुर विधानसभा क्यों? काम करने में वही अच्छा था जहाँ पर चैलेंजेस बहुत ज़्यादा आते हैं और पूरे जनपद में अगर देखा जाए सबसे पिछड़ा हुआ विधानसभा है जंगीपुर है। सामाजिक समीकरण और राजनीतिक समीकरण के हिसाब से जंगीपुर एक अच्छा विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए, काम करने के लिए, तो जंगीपुर विधानसभा को मैंने चुना। जंगीपुर विधानसभा में काफ़ी चुनौतियाँ हैं। सबसे पहले अगर मैं जातिगत आंकड़ों की बात करूँ, चूँकि आप भारतीय जनता पार्टी में थे, अब बताने की जरूरत नहीं है कि आपने भारतीय जनता पार्टी में क्या किया, खबरें हमारे पास बहुत सारी हैं, लोगों ने देखा भी होगा। अब बहुजन समाज पार्टी से आ रहे हैं, चैलेंज ये है कि दलित वोट बैंक भी वहाँ पर अच्छा खासा है और उसी लेवल का यादव वोट बैंक भी है, कैसे करेंगे सामना? देखो, काम के आधार पर ही वोट मिलते हैं, किसी जात के आधार पर वोट नहीं होते। राजनीति में अगर हमने जात को आधार बना लिया तो बहुत लंबा चल नहीं पाएंगे। काम करेंगे, मुझे लगता है कि मैंने जो काम पिछले 10 साल से किया हुआ जनपद में उसका कहीं ना कहीं असर वो असर जंगीपुर विधानसभा में भी है, हर जाति और हर वर्ग में और खासकर युवाओं में है। और 70% आज जो हमारे वोटर्स हैं सारे युवा हैं, तो कहीं ना कहीं मैं उनके दिल दिमाग में बैठा हुआ हूँ और जान रहे हैं कि मैं मेहनत करता हूँ, समाज में चलता हूँ, लोग मदद करता हूँ, कभी कोई आशा नहीं पा रहा। तो आज मैंने जनपद में जंगीपुर विधानसभा चुना है तो एक मकसद के साथ चुना हुआ है, किस तरह से विधानसभा में काम करके उसको एक मॉडल विधानसभा के रूप में पेश करूँ। तो मैं जात पात के इतना हिसाब चल के मैं जो समीकरण हमारी समीकरण वहाँ बैठा हुआ है हर वर्ग के दिल दिमाग में बैठना है, वो मेरा लक्ष्य है। देखिए, आपने कहा कि जातिगत समीकरण आप नहीं देख रहे, लेकिन कहीं न कहीं राजनीति की ये सच्चाई है कि जातिगत आंकड़े बहुत मायने रखते हैं। सूत्रों के हवाले से एक खबर आ रही है कि हो सकता है कि जंगीपुर विधानसभा सीट सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के हाथ में चली जाए, जिसका गठबंधन समाजवादी पार्टी से हुआ है। यदि ये खबर सत्य होती है भविष्य में तो फिर कितनी चुनौती रहेगी, क्योंकि राजभर वोट बैंक मुझे जहाँ तक आंकड़ों का अंदाजा है कि 25,000 से 30,000 के आसपास होगा, चौहान भी हैं और मुस्लिम पहले ही समाजवादी पार्टी की तरफ रुझान है मुस्लिम का, उसके बाद राजभर भी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की वजह से। मैं इतना नहीं सोचता किसी गणित के बारे में या किसी जात के बारे में, मैं इतना ही सोचता हूँ कि अगर मेरा काम अच्छा होगा जी और मेरी में मजबूती होगी तो जनता मुझे अपना विधायक बनाएगी। तो जनता को के मन में मैं अपना भाव नहीं बना पाया तो विधायक बनने का कोई फायदा नहीं। सबसे गंभीर सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है, सबके दिमाग में ये सवाल आएगा जो भी इस एपिसोड को देखेगा, आपने भारतीय जनता पार्टी का दामन क्यों छोड़ा? देखिए, हर व्यक्ति हर इंसान सम्मान के लिए जीता है, सम्मान के लिए मरता है। और मैंने जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया था तो मुझे लगा कि ये पार्टी एक ऐसी पार्टी जो भारतीय शब्द पहले रखती है और यहाँ भारत होने का एहसास दिलाती है। पर जिस तरह से गाजीपुर की जो भारतीय जनता पार्टी यूनिट है ये
पूरे देश के भारतीय जनता पार्टी से अलग है। यहाँ का तानाशाही रवैया, यहाँ के लोगों को, यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, संगठन है, वो बिल्कुल अलग चलते हैं, विपरीत हैं, और लगभग वो अपने सामने किसी को आगे बढ़ने नहीं देते, न किसी को आगे आने देते हैं। एक लगा कि कब तक मैं इनके पीछे चलूँगा, 10 साल हो गया, 27 साल में 37 हो गया, और मुझे भविष्य इसमें दिखने तो राजनीतिक भविष्य दिख रहा था, तो मैंने सोच समझ के ही निर्णय लिया है कि जहाँ सम्मान नहीं वहाँ रहने का मतलब नहीं है। जी बिल्कुल, आपने कहा कि यहाँ का, यहाँ की जो भारतीय जनता पार्टी की टीम है और इसके बाहर की टीम है, दोनों में अंतर है। जाहिर सी बात है कि विधायक बनते हैं, सीटें आती हैं, तब जाके मुख्यमंत्री बनते हैं। तो मुख्यमंत्री के तौर पर आप योगी आदित्यनाथ को पसंद करेंगे या मायावती को? जिस पार्टी में मैं जा रहा हूँ, बहुजन समाज पार्टी में, तो हर कार्यकर्ता, हर नेता का एक ही दायित्व होता है कि उसके मुखिया को प्रदेश की सबसे बड़ी कुर्सी बैठाया जाए। क्योंकि मैं बसपा में कल मैं सदस्यता लूँगा और टिकट की घोषणा मेरे पक्ष में होगी, तो मैं तो यही चाहूँगा कि बहन जी हमारी मुख्यमंत्री बने। उनका शासन काल मैंने देखा नहीं है, क्योंकि जब वो मुख्यमंत्री बनी थी तो मैं यहाँ पर नहीं था, मैं विदेश में था। मैंने उनको शासन काल को सुना है, और जो सुना है वो हमेशा पॉजिटिव ही सुना है कि गुंडा माफिया और तमाम तरह की चीज़ें, भ्रष्टाचार पर लगाम हो गया था, पुलिस अच्छे काम करती थी, दुरुस्त रहती थी, सड़कें भी ठीक थी। तो मुझे लगता है कि अगर वो कहावत सच है, और मैं कार्यकर्ता के नाते और विधानसभा चुनाव लड़ने के नाते मेरा पहला दायित्व ही रहेगा कि मैं उनको मुख्यमंत्री रूप में देखना चाहूँगा। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर मुकेश सिंह। खैर, आपने टीवी के बैटनी शो का विकास बहुत देखा होगा, अगर उस विकास को देखते देखते थक गए हैं तो अब तैयार हो जाइए जंगीपुर विधानसभा क्षेत्र के विकास को देखने के लिए। देखते हैं भविष्य में क्या होता है, तब तक आप देखते रहिए एबीटी न्यूज़। धन्यवाद।